सब, आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया हो गाइस। हम भी सब बढ़िया हैं। तो गाइस मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ और मैं बनाऊंगी अभी पालक का रायता। तो पहले बना लेती हूँ पालक का रायता, उसके बाद मैं सिर को खोल के थोड़ा सा सुखाऊंगी। गाइस अभी हम बना रहे हैं रायता। एक साथ पीस लो, उसको थोड़ा वो करो ना। है नमक देखो बना तो सही लग गया, बढ़िया बन रहा है। गाइस अभी मम्मी लगाएगी जीरे का छोंक तड़का। तो गाइस रायता मेरा बन चुका है और अब मैं सुखाऊंगी अपना सर। पता है कि पहले मैं सर को सुखाने के लिए ड्रायर का यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं कुछ टाइम से ड्रायर यूज़ नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि मुझे जो मैंने वो ट्रीटमेंट लिया था उसको करवाया, विच 6 मंथ्स ऊपर हो चुके हैं, तो मैं नॉर्मल ही वो बात अपने आप जो ऑटोमेटिकली सूखता है वैसे ही सुखा रही हूँ। जब ट्रीटमेंट लेते हैं जब ड्रायर से सुखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो जो है वो निकल जाता है, जो भी प्रोटीन वगैरह हम अपने हेड में करवाते हैं, बालों में करवाते हैं। और गाइस आप सबके साथ एक बात शेयर करनी थी, मेनली अपने घर परिवार के साथ, अपने कुंडबे वाला के साथ, क्योंकि मैंने पता व्लॉग सब देखते हैं, भाई लाइक ना करते वो थारी अपनी प्रॉब्लम है, मैंने कोई दिक्कत ना है, लेकिन आप सबके साथ एक बात शेयर करनी है कि 7 तारीख को गणपति की पूजा है। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट ईयर भी मैंने की थी और इस बार भी है, तो फोन तो देखो मैं एक दिन पहले ही करूँगी, लेकिन कदे फिर न्यू कह दो जैसे मोली के बर्थडे पर कही थी, या कोई पहले नहीं बताई, तो मैं व्लॉग में इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं ई फ़ोन करके बता दूँगी तो जब तक तो बता जाके दिमाग में तेल उतर जाएगी। तो इस वजह से जो जो मेरे व्लॉग देखे हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे ही देखते हैं, भाई अपनी तैयारी कर लेना, जिसने सूट सिलवाने हैं, जिसने कुछ भी करना है, मतलब
एनीथिंग एल्स, अगर भाई थ्रेडिंग करवानी है, सूट सिलवाने हैं, अपनी और कुछ जो भी तैयारी है थारी गणपति से रिलेटेड अपनी पहले ही कर लेना, क्योंकि वो चीज़ मेरे दिमाग में आई कल जब मेरे पास फ़ोन आया मतलब हमारे जेठ के छोरे की बहू का, अच्छा जी आप कब लेकर आओगे, उसने कल फ़ोन करा, उसका ही था कि मैं अभी लेकर आऊँगी, 7 तारीख के आसपास का विसर्जन है तो मैं अभी नहीं लेकर आऊँगी, गणपति 6 तारीख को आएगा लेकिन 7 तारीख को उसकी पूजा है, तो आप कृपा करके जो भी मेरी फैमिली वाले हैं वो इस चीज़ को ध्यान जरूर दे लें और अपनी तैयारी पूरी कर ले, फिर मेरे तक कोई ब्लेम मत करियो। ये थी जस्ट एक नॉर्मल बात, जो भाई देखो मैं अब इतने सारे घर 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 जाकर तो मैं अभी कह नहीं सकती, ये चीज़ सबको पता है, तो ये मतलब व्लॉगिंग का और वीडियोज़ डालने का ये भी एक अच्छा तरीका है, अगर किसी को कोई बात पहुँचानी है तो आप पहुँचा सकते हो इजीली, क्योंकि ये पता है कि सब देखते हैं, और उसकी जो गणपति की वो हमारी तैयारी चल रही है उसके रिगार्डिंग मैं और सागर, अगर मौसम ठीक रहा तो कल हम सदर भी जाऊंगे, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत सामान लेकर आना है डेकोरेशन का, और आप लोग देख चुके होंगे गणपति जी मेरे फाइनल हो चुके हैं, वो कौन से फाइनल है वो तो आपको जो जब आएगा उसका वो जब ही पता चलेगा, और छोटी छोटी तैयारी तो खैर चलती ही रहे, अभी उससे पहले जन्माष्टमी है मंडे की, तो जन्माष्टमी की भी तैयारी करनी है, तो अभी तो ये है कि लगा लो तकरीबन अभी 25 दिन मैं बिज़ी हूँ, क्योंकि भाई मैं किसी बाहर से तो किसी को बुलवाती नहीं हूँ डेकोरेशन के लिए, मैं खुद ही डेकोरेट करती हूँ, तो लास्ट टाइम भी मैंने जो गणपति का वो किया था वो खुद ही डेकोरेट किया था, उसमें मैं तकरीबन 3 से 4 दिन लग गए थे करने में, और आपने देखा भी होगा, और जिसने नहीं देखा वो जाकर प्लीज़ आप मेरे पुराने व्लॉग्स देख सकते हो, हमने गणपति सेलिब्रेशन 10 दिन का कितने अच्छे से और कितना इन्जॉय करते हुए किया था, तो यही चीज़ बतानी थी कि भाई उसका सिलेक्शन हो चुका है गणपति जी का, 7 तारीख की पूजा है, तो उसके हिसाब से अपनी अपनी तैयारी कर लेना, और जो कोई भी आना चाहता है जो मतलब मुझे जानता है वो आ सकता है, किसी के लिए ये नहीं है कि भाई स्पेशल हम इनविटेशन देंगे, तो गाइस अभी खा लेते हैं खाना क्योंकि रायता मेरा बन चुका है, मौली स्कूल में गई ना तो रोटी उसने सेक किया, क्योंकि आज दोनों मम्मी बेटे हैं हमारी, दोनों की ही तबीयत डाउन है, उसका भी जुकाम हो रहा था मेरा भी उसने कर दिया, तो कल सुबह तो मना कर लिया था लेकिन आज मेरा हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो बात काम भी ऐसे मिल बांट कर कराया, आधे में पोछा उसने लगाया आधे में मन लगाया, क्योंकि ना तो उसके बस की ना मेरे बस की, तो रायता मैंने बना दिया, रोटी वो सेक रही है, वो अभी पहले खा लेंगे खाना, शेक आज बनाया ना क्योंकि कीड़े ना हैं, सागर खा गया तो इसलिए आज हम रोटी जल्दी बना रहे हैं, तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, खाना मैं डाल के ला चुकी हूँ, और रायता और मिठाई वाला मीठा तो चाहिए, तो अभी खा लेते हैं खाना, मिलेंगे आप तक। गाइस खाना हमने खा लिया है और अभी हम देख रहे हैं आर्टिकल 15, और जैसा कि गाइस आपको पता है कि मैंने अपने बर्थडे वाले जो इससे पहले व्लॉग आया था उसमें बताया था कि मुझे गिफ्ट मिला है, तो उसमें से मैंने सिर्फ एक गिफ्ट आपको दिखाया था, दूसरा गिफ्ट मैंने नहीं दिखाया, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मुझे सेकेंड गिफ्ट क्या मिला। मेरा सेकेंड गिफ्ट है वो है, एक मिनट निकाल दे कल निकल बिना रही, तू आके कर रही उसको कमरे में, ये है कड़ा पजेब, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, मैं इनको नहीं पहनूंगी, कभी कभी पहने में अच्छी लगती है, तो ये है जो मेरा सेकंड गिफ्ट है, और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, इवन मैंने परसों पहनी हुई थी लेकिन ये हर टाइम नहीं वेयर कर सकते, इसलिए मैंने उनको उतार के रख दी, क्योंकि वैसे देखने में तो ये लगेगी जैसे बच्चा ही वो छोटी बोल रहा है, लेकिन मैंने अभी इसको पैरों में पहन के दिखा दिया, काफ़ी अच्छी लगती है। मेरा सेकंड गिफ्ट, और अभी मैं इनको रखवा रही हूँ जो मेरे बर्थडे पे मुझे मिला था, और बाकी तो मैं कुछ लेती ही रहती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं कि भाई मैं लेती नहीं हूँ, तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा जो गिफ्ट है वो कैसा लगा, और जो मैंने बात कही है गणपति के लिए उसको भी ध्यान में ज़रूर रखना, और गाइस इस वीडियो का तो करूँगी मैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।